हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का ब्लॉग। तो आज अभी शुरू सुबह दिखाते हैं हम क्या, आज हम फैटलेस चैलेंज में हम अपना फैटलेस कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए। बहुत सारी रसगुल्ले और गुलाब जामुन के बाद आज आपको देखने मिलेगा कुछ और। प्रमोद भैया, हेलो दोस्तों, तो आप क्या कर रहे हो आज सुबह सुबह? देख लो, सुबह सुबह हम बीच में थोड़े सिगरेट पपीता खा रहे हो आज आप अपना अब पेट हम सही करने के पपीता लिए? खा रहे कैसी है हैं। कल से आज आपकी तबीयत? तबीयत कल से थोड़ी ठीक है, बट आज भी अभी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसे है, लेकिन हाँ ठीक है, कल से ठीक है? कल से बहुत ठीक है। तो यह पपीता छील रहे हो, बिल्कुल इतना पपीता खाओगे नहीं, आप? इतना महंगा लगाऊंगा क्या? अंकुश भैया भी है और देखो, ये अंगूर है दोस्तों। तो बिल्कुल हम अपने फैट लेस चैलेंज के अंदर और पूरी तरीके से कूद गए हैं। हेल्दी फूड खाने की तैयारी में। बिल्कुल, अब हम वनीला हेल्दी फूड रो। बिल्कुल, अब लोग में देखेंगे आपको क्या तेल करें। से रस रसे खाने को दूर करते हुए। बिल्कुल, कम कैसा तेल कम तेल घी, है घी ना? सब दूर दोस्तों। बिल्कुल, तो थोड़ा जल्दी कम आपको देखने को मिलेगा हमारा नया वर्जन। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सही है। कैसा लगता है आपको पपीता खाने में? पपीता मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सबके अंकुश तो भैया को बुजुर्ग बिल्कुल लोग कहते हैं, पसंद नहीं बुजुर्ग है। लोग खाते पपीता, ऐसा कहते हैं लोग। ये भ्रांति आप फैलाते हो ये देखो क्या फालतू की। अभी साइंस ले रही है? तो बताओ पपीते क्या फायदे हैं? पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हेलो दोस्तों, ये मैंने सतीश कौशिक जी की पोर्ट्रेट बनाई है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और एक छोटा सा ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बस आज का व्लॉग इधर तक इतना ही था। और मैंने ड्राइंग जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली, और अब रात हो चुकी है, बस खाना बनाने की तैयारी है। कल रात को कुछ बनाया नहीं, ड्राइंग करता रहा, और ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। कल है ड्राइंग चैलेंज, है ड्राइंग चैलेंज नहीं, कल है चैलेंज। कल चैलेंज का दिन है, तो देखते हैं प्रमोद भैया वो क्या देते हैं जिससे प्रमोद भैया हार सकें, और लगातार उनका जो हारने का जो वो स्तर है वो और इम्प्रूव हो, है ना? तो चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद, बाय।